करंट अफेयर के नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं 30 जून से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। चलते हैं, पहले देखें, आपसे पूछा जाएगा भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस जिले में चलेगी, तो आप बताएंगे हरियाणा के कहाँ पर चलेगी, जिंद। एक हरियाणा का जिला है जिंद, जहाँ पर भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन चलेगी, तो कहाँ चलेगी, आप बताएंगे हरियाणा के जिंद में चलेगी। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद आपसे पूछा जाएगा विश्व के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का 8वां संस्करण शुरू होगा, तो पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा जो स्वच्छता के लिए सर्वेक्षण चल रहा है तो उसका कौन सा संस्करण चलेगा, तो आप बताएंगे नंबर 8 का संस्करण चल रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद टाटा टेक्नोलॉजीज़ व MBFC फाइनेंस और गंगाधर ऑयल रिफाइनरी के IPO ने SEBI को मंजूरी दे दी है, तो टाटा टेक्नोलॉजीज़ और MBFC फाइनेंस और गंगाधर ऑयल रिफाइनरी ने आपस में SEBI को क्या दे दी है, मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद आपसे पूछा जाएगा भारतीय मूल की सैटेलाइट उपयोग विशेषज्ञ आरती होलामैनी को UNOOSA के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया, तो पूछा जाएगा किसको नियुक्त किया गया, तो आप बताएंगे आरती होलामैनी को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट चलते हैं, देखें आपसे पूछा जाएगा हाल में ही फीफा के आगामी अंडर 17 विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा इंडोनेशिया। हाल में ही फीफा के आगामी अंडर 17 विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा, तो उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप बताएंगे इंडोनेशिया। चलते हैं, देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, हाल में ही किसने द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक लिखी, तो आप बता देंगे इसका आंसर हो जाएगा रूपा पाई। किसने लिखी है, तो ये रूपा पाई ने लिखी है द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद हाल में ही DBS बैंक इंडिया ने किसे प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है, तो आप सी ऑप्शन बताएंगे रजत शर्मा, किसको किया, रजत वर्मा को किया। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद हाल में ही किस राज्य की सरकार ने IT विभाग का नाम बदलकर डिजिटल प्रौद्योगिकी विभाग कर दिया है, तो आप बताएंगे ए ऑप्शन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, किसने कर दिया, हिमाचल प्रदेश ने कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं, देखें हाल में ही अमेरिका के किस शहर में दीपावली पर स्कूलों की छुट्टी का ऐलान किया गया है, तो आप बताएंगे न्यूयॉर्क में, कहाँ पे किया गया है, न्यूयॉर्क में ये किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, देखें हाल में ही कौन सा देश इसराइल में अपना दूतावास खोलेगा, तो आप बता देंगे इसका आंसर हो जाएगा फिजी, और फिजी की राजधानी की बात कर लेते हैं तो उसकी राजधानी सुआ है, सुआ क्या है इसकी राजधानी, तो आप बताएंगे इसकी राजधानी हो जाएगी सुआ। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद आपसे पूछा जाएगा हाल में ही अनुराग वर्मा को कहाँ का मुख्य सचिव बनाया गया, तो आप बताएंगे बी ऑप्शन हो जाएगा पंजाब का, कहाँ का बनाया गया, पंजाब का बनाया गया। नेक्स्ट चलते हैं, देखें हाल में ही जॉन गुडनियफ का निधन हुआ है, तो वो एक क्या थे, तो आप बता देंगे सी ऑप्शन कि वो एक वैज्ञानिक थे या वो एक साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद 9 की तरफ हाल में ही किस राज्य की सरकार ने लोकतंत्र सेनानी माननीय 16,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिए, तो आप बताएंगे इसका बी ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड की सरकार ने कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद हाल में ही भारत ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के मामले में किस देश को पीछे छोड़ दिया है, तो आप बता देंगे इसका ए ऑप्शन हो जाएगा चाइना, किसने किया, चीन ने किया। नेक्स्ट चलते हैं, देखें हाल में ही किसे IMA पुरस्कार मिला है, तो उसका सी ऑप्शन हो जाएगा के वेणुगोपाल, किसको मिला, के वेणुगोपाल को मिला। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो उसका बी ऑप्शन हो जाएगा 1 जुलाई, कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को मनाया जाता है।